आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में शॉर्ट सर्किट लगने से एक झोपड़ीनुमा घर में अचानक आग लग गई। इस आगलगी की घटना में दो मासूम बच्चे झुलस गए, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी ब्रजेश महतो के 5 वर्षीय बेटी ईशानी कुमारी और 2 वर्षीय बेटा कुलदीप कुमार शामिल हैं। इस आगलगी की घटना में करीब 10 से 12 घर भी जल गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। आपको बताते चले कि गोपालपुर गांव निवासी ब्रजेश महतो अपने पिता के साथ खेत में मजदूरी करने गए थे। इसी बीच उनकी पत्नी दोनों बच्चों को अपने दयादिन के घर में सुलाकर अपने पति और ससुर के लिए खाना लेकर खेत में चली गई। तभी शॉर्ट सर्किट से उसके घर में आग लगते देख दोनों मासूम जग गए और अपनी जान बचाने के लिए अपने रूम में पलंग के नीचे छुप गए। लेकिन आग की लपटें देखते ही विकराल रूप ले ली और आग पूरी तरह से फैलने लगी, जिससे दोनों मासूम बच्चे जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। आग लगने की सूचना पाकर स्थानीय लोग की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और आग पर काबू पाने के लिए सभी लोग अपने स्तर से जुट गए, लेकिन किसी का ध्यान घर में मौजूद बच्चों पर नहीं गई। जब उसकी माँ दौड़कर आई और अपने बच्चों को खोजने लगी, तब दोनों कहीं नजर नहीं आए। तब तक आग विकराल रूप लेकर पूरे घर को अपने आगोश में ले ली थी। स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाने में सफल रहे। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। 1 घंटे के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, तब तक आग बुझ चुकी थी। आग ने घर में मौजूद दोनों बच्चों को अपनी आगोश में ले लिया था, जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं इस आगलगी की घटना में अन्य 10 से 12 घर तक भी आग पहुंच गई, जिससे आग लगने से लाखों का नुकसान होने की संभावना है। मोहम्मदपुर थाना के SI मोहन कुमार निराला ने बताया कि गोपालपुर गांव में आगलगी की सूचना मिली थी। इस आगलगी में दो मासूम बच्चों की जलने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ ही गांव में आसपास के करीब 10 से 12 घर जलने की सूचना मिल रही है। मामले की जांच की जा रही है। मृतक के पिता और दादा ने बताया कि सभी लोग खेत पर काम करने गए थे, तभी सूचना मिली कि मेरे घर में आग लग गई है। दौड़कर आया तो सभी लोग आग बुझा रहे थे। बच्चों को जब खोजा गया तो कहीं नहीं मिला। बाद में पलंग के नीचे दोनों का शव मिला। दोनों ही बच्चे थे और दोनों की मौत हो गई। बहरहाल इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सब लोग बोलने लगे आग लगा है। हम लोग गए और शॉर्ट सर्किट से आग लगा था। वहाँ गए थे, जब देखे तो बच्चा नहीं था वहाँ पे, तो घर में चेक किया तो घर लू छुपा था। बगल में आग लगा था, उसके बाद बगल में आग लगा था, उसी के देख कर मेरे बच्चे पलंग के नीचे जाकर लुकाया। उसमें भी आग लग गया, जल गया। बचने के लिए छिप गए। हाँ, बचने के लिए छिप गए। बच्चा था उसमें? 2 गो बेटा 1 बेटी। वही बच्चे हैं? हाँ, वही। कितने साल का? 1 5 साल का, 1 2 साल का। क्या नाम है आपका? ब्रजेश महतो। और कितने घर में आग लगा होगा? 2 ही घर में, हमारे भाई साहब के, हमारे बस। और गांव में नहीं, किसी के नहीं, सबका छत था, हमारे मरई था। तो फायर ब्रिगेड के द्वारा बुझाया गया? आगे बुत गया था, तब फायर ब्रिगेड पहुंचा था वहाँ पे। लमसम 1 घंटा, 1 घंटा हो गया। वो सब लोग गांव के लोग बता दिया था, तो 1 घंटा पहले पहुँचे हैं। पुलिस कितने देर पहुँच गया? पुलिस उसी मैंने वो आ गया फायर ब्रिगेड, उसके बाद पहुँची है पुलिस। तत्काल पहुँच? हाँ हाँ, तत्काल पहुँच। ब्रजेश महतो 11 बजे हम लोग को सूचना मिला था कि मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में आग लगने से आग लगने की सूचना मिली थी। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद गए तो पता चला कि 2 बच्चा झुलसने से मृत्यु हो चुका है, जिसको लेकर के हम लोग सदर अस्पताल आकर के पोस्टमार्टम कराए। 10 से 12 लगभग घर है। गाड़ी पहुंची, हम लोग आग पर काबू पा लिए हैं। मतलब बच्चे जो थे खेल रहे थे, खेलते हुए जाकर के दूसरे घर में आग लगा था, जाकर के घर में छुप गए लोग। अब लोग परिजन ध्यान नहीं दिए दूसरे घर में। पहले आग दूसरे घर में लगी थी? उसके भाई के घर में ही लगा था, और उसके पिताजी बच्चे को खेलते हुए बाहर देखे, उसके बाद वो आग बुझाने चले गए। उसके बाद फिर पता नहीं कब उन लोग जाकर घर में छुप गए, जिसके कारण परिजन कहाँ थे? लोग परिजन वहीं पे थे।
खेत में गए थे? हाँ खेत में गए थे। भजन कहाँ गए थे? खेत में गए थे लोग, काम कर रहे थे। पुवनी मोहन कुमार वाले। सूचना मिली है कि मोहम्मदपुर में आग लगी, आग लगी घटना हो गई, जिसमें दो बच्चे की मौत हो गई, दुखद घटना है। और इसमें जो सरकार का प्रावधान है राशन का, वो सब हम लोग दिलवा रहे हैं। अब मृत्यु के बाद जो अनुग्रह राशि मिलता है वो भी हम लोग रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्ड का संकलन करके दिया जाएगा। एक और अपील है लोगों से, आपके मीडिया के माध्यम से अपील है कि गर्मी आने वाला, टेम्परेचर बढ़ रहा, तो जो चूल्हे पर खाना ना बनाते तो 9 बजे के पहले खाना बना लें, ताकि गर्मी जैसी है तो उस समय में खाना बनाने की नौबत नहीं है, और उससे थोड़ा सा पहले बना दें, 9 बजे तक बनाने की फ्री हो जाए। श्रीपुर थाना अंतर्गत शाहपुर बतरदी तीन मुहानी के पास एक पिकअप पर लदा हुआ 7 मवेशियों के साथ 3 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार इन दिनों पशु तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए अभियान चला रही है। इस कड़ी में पहला इम्तियाज अंसारी, पिता क्यामुद्दीन अंसारी, साकिम खैरटिया थाना मीरगंज, दूसरा समीर अली, पिता अशरफ शाह, साकिम अहरौली दुबौली तकिया थाना गोपालपुर, तीसरा सेफतुल्ला शेख, पिता सफीउल्ला, साकिम सेक्टोलिया थाना पड़रौना जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है। पुलिस ने उनकी गाड़ी और पशु को जब्त कर लिया है तथा आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। कुचायकोट प्रखंड के औद्योगिक बाजार सासामुसा में मंगलवार को ग्रामीणों व व्यवसायियों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सासामुसा स्टेशन पर पहुंचकर जमकर विरोध और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि काशी, विंध्याचल, मैहर, चित्रकूट, दिल्ली व अन्य शहरों के लिए ट्रेन चलाने की मांग व ठहराव को लेकर हंगामा प्रदर्शन किया व नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने कहा कि काशी, विंध्याचल, मैहर जाने के लिए कई जगहों पर ट्रेन बदलना पड़ता है। गोमती नगर व पाटलिपुत्र का ठहराव सासामुसा स्टेशन पर नहीं है, जिसे यात्रियों को पटना और लखनऊ जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मनाथ सिंह ने कहा कि कई बार ज्ञापन भी दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि कुव्यवस्था का आलम है कि सासामुसा स्टेशन का नाम नहीं लिखा गया है, ताकि यात्रियों को पता चल सके कि कौन सा स्टेशन है। गंदगी का अंबार है, ना तो साफ सफाई है, न चापाकल है। यात्रियों को पानी लेने बाजार में जाना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यथाशीघ्र काशी, विंध्याचल, मैहर, दिल्ली व लंबी दूरी के लिए ट्रेन नहीं चलाया गया व गोमती नगर पाटलिपुत्र का ठहराव नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में धर्मनाथ सिंह, शंभू प्रसाद, माया बर्नवाल, कामेश्वर बैठा, गोविंद बर्नवाल, गुड्डू सिंह, अमित बर्नवाल, बच्चा यादव, पाठक बाबा, जयप्रकाश बर्नवाल, राजकिशोर चौधरी सहित कई लोग शामिल थे। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में, संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोवंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास गेट्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10th, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन, विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड होल मार्क सोने के चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज।
मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई के संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार तनिष्क रीवा वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा नियर बबुनिया मोड़ सिवान। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में मंगलवार को दोपहर में अचानक आग लग गई, जिसमें 2 झोपड़ीनुमा मकान जलकर राख हो गया। वहीं इस घटना में 2 सगे मासूम भाई बहन की मौत हो गई। घटना को लेकर पीड़ित ने बताया कि दिव्यांग ब्रजेश महतो अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करते हैं और रोज की तरह मजदूरी करने गए हुए थे। इसी बीच अचानक उसके झोपड़ीनुमा मकान में आग लग गई और बगल के सटे वाले मकान में 2 बच्चे सोए हुए थे। आग लगने के बाद स्थानीय लोग आग पर काबू पाने के लिए सहायता करने लगे। इसी बीच आग ने अरविंद महतो के घर को आगोश में ले लिया, जिसमें दोनों भाई बहनों की मौत हो गई। बैकुंठपुर की SYR हाई स्कूल की मेधावी छात्रा आयुषी कुमारी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक विद्यालय 2024 का परिणाम घोषित किया। विदितों की आयुषी इस परीक्षा में 465 अंक प्राप्त कर अपने गांव का नाम रोशन किया है। जब आयुषी से इस बेहतरीन सफलता के बारे में पूछा गया तो आयुषी ने बताया कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूंगी। माता पिता ने मेरी पढ़ाई में पूरी मदद की, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वहीं शिक्षक राजू सर के सही मार्गदर्शन से ये संभव हो पाया है। आयुषी की माता सुनीता देवी कुशल गृहिणी और पिता संजय सिंह जो गांव में किसान हैं, उन्होंने बताया कि पूरा परिवार इस समय गर्व महसूस कर रहा है। आयुषी ने ये साबित कर दिया कि अगर सही दिशा में मेहनत किया जाए तो जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर रहते हुए भी सफलता कदमों को चूमने गांव तक आ जाएगी। गोपालगंज कमला राय महाविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र अंकित कुमार को महाविद्यालय का छात्र राजद अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनका मनोनय छात्र राजद की जिला अध्यक्ष बिट्टू चौरसिया ने किया है। इस संदर्भ में महाविद्यालय में छात्रों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से अंकित के मनोनय पर सहमति बनी। अंकित के मनोनय पर राजद की जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, पार्टी उपाध्यक्ष पिंटू पांडे, सुनील कुमार वारी, फैज अक्रम, राजद नेता मुकेश कुमार राय, सचिन सिंह आदि ने बधाई दी है। उच्च पथ कोयनी को जोड़ने वाली माझागढ़ से कोयनी जाने वाली सड़क बरसों से जर्जर है। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है तथा प्रतिदिन इस सड़क से सैकड़ों वाहन की आना जाना लगा रहता है। बताते चले कि माझागढ़ से लंगटू हत्ता होती भी कोनी जाने वाली सड़क करीब 10 वर्षों से जर्जर बना है। जन प्रतिनिधियों और सरकार की उदासीनता के कारण ये सड़क जर्जर है। जर्जर सड़क किसी बड़े हादसे होने का संदेश दे रहा है। इस सड़क में जगह जगह गड्ढे होने के कारण इस सड़क से गुजरने वाले वाहन पलटने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण इस सड़क को छोड़ दूसरी सड़क से यात्रा करने को विवश है। भले ही सरकार गली गली की सड़क की पक्कीकरण करने की ढोल बजा रही है, परंतु सड़क निर्माण के कार्य घटिया होने के कारण सड़क 6 माह बाद बिखरने लगते हैं। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में बंदरबांट की जा रही है, जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, जिसके कारण सड़क जर्जर है, लोग जर्जर सड़क पर चलने को विवश हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के द्वारा EVM VVPT वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा EVM के स्टॉक एवं
अन्य आयोग के प्रोटोकॉल की समीक्षा की गई। वेयर हाउस में कार्यरत सीसीटीवी, आगंतुक पंजी और सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति का निरीक्षण किया गया। ईवीएम वेयर हाउस के विभिन्न पहलुओं की जांच की और सुरक्षा एवं कार्यप्रणाली की स्थिति का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के क्रम में नोडल पदाधिकारी ईवीएम कोषांग प्रशांत अभिषेक, वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर शराब तस्करों पर कार्रवाई की। इसमें शराब तस्कर पकड़ा गया और दो जगहों से शराब बरामद की गई। इस मामले में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मीरगंज थाना अंतर्गत एक डंगा बाजार के पास से 83 लीटर देसी शराब बरामद किया गया और गोपालपुर थाना अंतर्गत सोनहौला चंद्रभान तिमुहानी के पास एक बाइक पर बोरी में छुपा कर रखा गया देसी विदेशी शराब बरामद हुआ। वहीं नगर थाना की पुलिस ने वहां जांच के दौरान पुरानी चौक ब्रह्मस्थान से ध्रुसा पिता शंकर सा, साकिम सासा मुसा, थाना कुजायकोट जो अपने पूरे शरीर पर टेप से चिपका कर रखा 37 पीस बंटी बबी देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अब इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और शराब तथा इसकी गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं बगल के जिला बेतिया के नौतन प्रखंड स्थित डबरिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से दो घरों में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग की भयावह स्थिति को देखते हुए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आग की लपेट भयावह होने के कारण ग्रामीण एवं दमकल कर्मियों की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित अबुलेस खां, जिस्मुद्दीन खां, जलील खां, कलामुन नेसा ने बताया कि अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की खबर सुनते ही ग्रामीण एकत्रित हुए। आग का भयावह स्थिति देखकर अग्निशमन को इसकी सूचना दी गई। दमकल एवं ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में सोने के आभूषण, खाने का आटा, चावल, दाल, कपड़ा, मोटरसाइकिल, नगद रुपया सब कुछ जलकर राख में तब्दील हो गया। वहीं इस दुखद घटना की खबर सुनकर क्षेत्र में स्थित जिला पार्षद प्रतिनिधि कौशल्या देवी ने गहरा दुख जताई है। कौशल्या देवी ने बताया कि इसकी सूचना अंचलाधिकारी को दे दिया गया है। राजस्व भूमि कर्मचारी आग लगने का जायजा लेकर जल्द ही सरकारी लाभ पीड़ितों तक पहुंचा दिया जाएगा। मुखिया प्रतिनिधि पति राधेश्याम चौधरी ने मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले और विभाग से जल्द ही मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। मौके पर मंटू सिंह, सुंदरम कुमार, हरिलाल कुमार आदि मौजूद रहे। हमारे यहाँ डबरिया राज पंचायत में यहाँ भयावह आग लगा, पूरा ग्रामीणों लेकर दौड़ा। उसके बाद वहाँ पूरा भयावह आग पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पूरा घर पे क्षतिग्रस्त हो गया। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 7-8 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा। और बिजली के फिर से पुल से आग लग गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से। शॉर्ट सर्किट से आग लगा। अच्छा। उसके बाद ग्रामीणों ने पूरा अपना जुट किया। जुट करने के बाद पानी वानी डाला। डालने के बाद दो लोग फायर ब्रिगेड के फोन किया। भी जला हुआ है? हाँ, 90 रुपया भी 2.5 लाख जला है। अच्छा। बाइक गुड़िया भी जल गया, कपड़ा लाता भी जल गया। न्यू बाइक जलने का मामला खरीद किया था दहेज देने के लिए, भी जल गया है। उन्होंने फायर ब्रिगेड का फोन किया, वो भी आई, वो भी आग बुताई। तब तक सब कुछ जल कर खत्म हो गया। क्या नाम होगा आपका? मंटू सिंह, ग्राम डबरिया। आग लगा हुआ और कितना जल्दी से आपने यहाँ पर आकर लगातार अपने कामों को सुचारू ढंग से आप लोग के द्वारा किया जा रहा है? हमको 15 मिनट पहले सूचना मिला, तुरंत हम लोग वहाँ से चल दिए हैं। सूचना मिलते हैं। अच्छा, आपको आपको देखने से के वो यहाँ पे आए हुए हैं, आपके देखने से कितना का संपत्ति को जलकर कितना नुकसान हुआ है? कितना? अब तो हम लोग अनजात तरह नहीं है, अब तो जिसका जला है वो बताएगा। तो देखिए, डबरिया पंचायत अंतर्गत बैंकुंठवा में आग की सूचना आपको मिला हुआ है? नहीं मिला है? मिला है। काफी नुकसान मिला है? हम जब हम सुने तो हम छपटिया गए हैं जाने के लिए, इसलिए हमारा घर पर कोई नहीं है जो हम जिसके साथ हम लेके जाए। हमने वहाँ पे गया था, काफी नुकसान हुआ। हाँ, काफी नुकसान हुआ है। क्या कीजिएगा? सरकारी अथी से हम उसको मुआवजा दिलवाएंगे। हम सरकारी निधि से जो होगा जो होगा हम निधि सरकारी निधि से हम मुआवजा उसको दिलवाएंगे। घर जरा हुआ तो उसका हेल्प करेंगे। आप अपने निधि से क्या कीजिएगा? अपने निधि से अपना स्तर से जो होगा सो हम करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। लाइन से आगे जल गए रनी रे लेके। कितने का नुकसान भइल बटे? का जल गइल बटे बाबू? हमार हम रोजा बानी, हम झूठ ना बोल,
हमर बाबू घूम के सब हो दे देखला हो दे बेटे हो दे हमर बाबू सब देखला है कितना संपत्ति बा हमर बाबू झूठ ना बोले मोटरसाइकिल भी चलल बा मोटरसाइकिल बा बाबू का दहेज मिलल बा मोटरसाइकिल बा एगो साइकिल बा सिलाई मशीन बा हमरा बाबू के दहेज वो सब सामान पर बिछावना मिल रहल हमरा बेटी के पान थान जग गहना बा हमरा पतो के बा सब गहना रुपया भी चलल बा रुपया कितना रुपया चलल बा बाबू कितना रुपए कितना रुपए पता लगता कि बाइक भी चलल बा मोटरसाइकिल बाइक था और सिलाई मशीन था और गाना गुड़िया था और पेटी उटी था और गैस सिलेंडर सब जल चौकी रख रनिया पाँचों घर में बेटी के गाना रहा पान था इनकर चार था दैनिक कार्य में हम अपने व्यस्त थे वैसे ही हमें फोन गया कि डबरिया बैकुठवा वार्ड नंबर 2 में हमारे जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनके घर में आग की घटना हुई है और वो भी तार जो वायर है इलेक्ट्रिसिटी उसके चलते तो हम सभी समाज के लोगों ने मिलकर तुरंत इस पर काबू पाया जो जैसे जिससे मदद हो सकता था हम लोगों ने किया उसके बाद सूचना आप लोगों को और अधिकारियों लोगों को और जो भी हो सकता था जिनको सूचना दी मौके पर आए वो लोग और अभी गाड़ी है जो अपने आग बुझाने का काम कर रहे हैं। तो ये थी गोपालगंज और बेतिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।